हरमिंद जिले में प्रवासियों की आगमन निरंतर जारी होने के साथ कोरोना पॉजिटिव केस मिलने का सिलसिला जारी है। एमपीटी तेल खनन नागाना में एक व्यक्ति के पॉजिटिव आने के बाद सोमवार शाम को आई रिपोर्ट में बाड़मेर शहर में 3 और पॉजिटिव मिले। सरदारपुरा में मां बेटी व जटियों का वास में एक युवक पॉजिटिव निकला। प्रशासन ने दोनों जगहों पर जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए कर्फ्यू लगा दिया। बाड़मेर जिले में प्रवासियों के आगमन के बाद से ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गत दिनों मुंबई से लौटे सरदारपुरा निवासी युवक के संपर्क में आए उनके परिवार के 2 सदस्य भी सोमवार को देर शाम आई रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए गए। शहर के सरदारपुरा में 34 वर्षीय महिला एवं उसकी 11 वर्षीय बेटी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं गंगा मैया मंदिर के पास जटियों के आवास में कोरोना पॉजिटिव युवक पाया गया, जो अहमदाबाद से बाड़मेर लौटा था। शहर में 3 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने एम्बुलेंस की सहायता से तीनों मरीजों को कोविड केयर सेंटर पहुंचाया और मरीजों के संपर्क में आए लोगों की पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों एवं आशा सहयोगियों ने प्रभावित क्षेत्र में सर्वे स्क्रीनिंग का कार्य शुरू कर दिया है। वहीं उपखंड मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर प्रभावित क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी घोषित करते हुए कर्फ्यू लगा दिया है, जिसके बाद प्रभावित इलाकों में बैरिकेटिंग कर पुलिस जाब्ता लगाया गया है और आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर कमलेश चौधरी ने बताया कि गत 14 दिन में बाहरी राज्यों से आए या उनके संपर्क में आए लोगों के रैंडम सैंपल लेने की प्रक्रिया जारी है। लॉकडाउन 5 आया है और लोगों को जितनी ज्यादा छूट मिल रही है आने जाने की, उसी हिसाब से लोग बेधड़क आ रहे हैं। तो थोड़ा सा माइग्रेंट की संख्या में वृद्धि को देखते हुए, इधर आने की देखते हुए, एक साथ कल रात को बाड़मेर में, कल पूरे दिन में 4 केसेज आए हैं। और वो भी लगभग, जैसे एक बंदा कोई अहमदाबाद से आया था, एक जो एमपीटी में जो है वो भी माइग्रेंट लेबर है, उस तरह से अभी भी जो आ रहे हैं वही आ रहे हैं, हमारे माइग्रेंट्स का ही है। अपने ऐसा मानते हैं कि कम्युनिटी में ऐसा स्प्रेड नहीं है। और आज दिन तक हमारे लगभग 109 केस है। सैंपल हमने अभी तक 6,650 सैंपल लिए हैं। कल भी हमने 263 सैंपल लिए थे, उनकी लगभग सभी की रिपोर्ट आ चुकी है और उन्हीं रिपोर्टों में ये पॉजिटिव आए। सर, कितने मरीज स्वस्थ हो गए, डिस्चार्ज कर दिए गए? हमने 83 मरीज डिस्चार्ज कर दिए हैं और कुछ आज रात को जो नेगेटिव आए हैं शाम को डिस्चार्ज करेंगे। शहर में 3 नए मरीज मिलने के बाद मरीजों को विभाग द्वारा कोविड केयर सेंटर भिजवाया जा रहा है, जहां उनका उपचार चल रहा है। उनके अनुसार मेडिकल टीमें मरीजों के संपर्क में आए लोगों की पड़ताल कर रही है ताकि कोरोना प्रसार को रोका जा सके। वहीं प्रभावित इलाकों में सर्वे स्क्रीनिंग का कार्य और अभियान शुरू कर दिया गया है।